कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। शनिवार रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की बात कही गई है, तो अब अलग अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई क्षेत्रों में 5 दिन का लॉकडाउन किया गया है। यहाँ पर हम यहाँ मौजूद है, यहाँ बाग सेवनिया ये जो पूरा क्षेत्र है वो अनलॉक किया गया था और अब फिर से यहाँ लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। यहाँ देखा जा सकता है सड़क सुनसान है, लोग की आना जाना यहाँ पूरी तरह से बंद है। कर्फ्यू जैसी स्थिति यहाँ बना दी गई है ताकि जो है किसी भी तरह लॉकडाउन से निजात मिल सके और लोगों को सहूलियत हो सके और सरकार भी थोड़ा सा ये तय कर पाए कि अब लॉकडाउन नियंत्रण करने की दिशा में बढ़ रही है। यहाँ देखा जा सकता है पुलिस यहाँ मौजूद है और यहाँ आने जाने वालों पर कड़ी निगाहें रखी जा रही है। पूरी तरह से ये रास्ता बंद है, ये बाग सेवनिया यहाँ थाना है, थाना से बाग सेवनिया थाने से ही यहाँ पर पूरा सब कुछ बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें यहाँ एक बड़ी आबादी रहती है और यहाँ लगातार मरीज यहाँ मिल रहे थे कोरोना के, इसको लेकर हम यहाँ पुलिस व्यवस्था भी यहाँ है, हम इनसे जान लेते हैं क्या कब तक का लॉकडाउन है ये? 5 दिन का है भाई साहब। क्या समस्या है और समस्या क्या? ये मरीजों की संख्या बढ़ गई है, ये बाग सवरिया हमराई बस्ती और अपने इसमें बाग मुगालिया, इस वजह से आने जाने का ये मेन रोड है और ये रोड पे ही है बाग सवरिया, वहाँ मार्केट भी लगता है और खुला रहने पे तो मार्केट वो स्थिति ऐसी पैदा होती है कि इकट्ठे हो जाते हैं पूरे लोग, घनत्व ज्यादा है जनसंख्या का। कितनी आबादी रहती है इसमें? तो 50,000 से ऊपर की आबादी हो बागसवनिया हमरा। ये जो है पूरा जो क्षेत्र है यहाँ 50,000 से ज्यादा आबादी है और यहाँ जिस तरह से भीड़ इकट्ठी होती है मार्केट में और सब जगह, उससे संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और यहाँ सैकड़ों मरीज होने के बाद अब ये तय कर लिया गया है कि यहाँ अब पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। हम आपको एक बार बता दें कि मध्य प्रदेश में जहाँ कोरोना संक्रमण की जो आंकड़ा है वो 25,000 छूने को है, तो भोपाल में ये आंकड़ा 5,000 की तरफ बढ़ रहा है और रोज लगभग 150 से ज्यादा मरीज अब यहाँ मिल रहे हैं भोपाल में। और जहां तक मौतों की बात है तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 800 की तरफ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो 150 के करीब यहाँ भोपाल में मौतें हो चुकी हैं। कैमरामैन राहुल सेचकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।